देखिए पाकिस्तान से जिन्हें प्रेम है वो बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते थे, और जनता दल यू को पाकिस्तान जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का इंडिया गठबंधन इंडिया में ही रहेगा और बड़ी मजबूती से इस बार चुनाव भी जीतेगा, और बीजेपी को खास करके बिहार में हम लोग 400 सीट पे चुनाव हराने का काम करेंगे। वो लोग बिल्कुल बौखला गए हैं, देखते हैं रोज़ बदलाव हो रहा है, कभी किसी को कुछ बना दिया जा रहा है, फिर किसी को हटा दिया जा रहा है, तो बहुत तरह का बदलाव हो रहा है। देख रहे होंगे दो दो महीने चार चार महीने में एक ही पद पे दो तीन व्यक्ति को बैठाया जा रहा है, तो वो लोग बौखलाए हुए हैं। जब से ये इंडिया गठबंधन और बिहार में महागठबंधन हुआ है काफ़ी लोग बौखला गए। देखिए सर्वप्रथम तो सभी छात्रों को जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी लोगों को हमारी ओर से शुभकामना है कि आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे, और इस बार जो परीक्षा हो रही है अच्छे शिक्षक भी आएंगे। ये बिहार की आम जनता भी देख रही है कि इस बार अच्छा से अच्छा शिक्षक आएगा, और जितने भी छात्र इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं सभी लोग पास करें, ये शुभकामना हमारी है। और जहाँ तक बीएड के छात्रों का सवाल है तो वो एक तकनीकी विषय है, शिक्षा विभाग ने अगर कोई निर्णय लिया है बीटी वालों के लिए 1-5 और 6-8 का निर्णय होता है, और बीएड वालों के लिए 6-8 और जो है 8-10 ये इसमें करते हैं, और जो उसमें एमए पास होते हैं उसको +2 तक के लिए मिलता है। तो ये सबके लिए अलग अलग नियम है, हो सकता है कि कोई पत्र बाद में निकला हो या पहले निकला हो, तो सब बात विभाग के द्वारा क्लियर किया गया होगा जहाँ तक मुझे जानकारी है। वन टू फाइव में अब जो नियम होगा जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, मान लीजिए पॉलिटेक्निक करके बच्चे बनते हैं, ये जूनियर इंजीनियर बनते हैं, इंजीनियरिंग करके बच्चे इंजीनियर बनते हैं, एमटेक करने के बाद अलग पद पे जाते हैं, तो सभी के लिए अपना एक दायरा बना हुआ है। तो जो भी मतलब विभाग के द्वारा नियम दिया गया होगा, क्योंकि जिस विभाग को बहाली लेनी है पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन जिस विभाग के द्वारा जो नियम बनाया गया है, जो नियम है, जो तर्कसंगत नियम है, उसके अनुसार सभी को एडजस्ट किया जाए ये हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि चूंकि पूरे नियम को हम अभी देखे नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो बीएड के छात्रों के लिए 6-8 और ये 8-10 वाला होता है, और +2 वाला में भी बीएड के छात्र बैठते हैं, तो ये सब बात है। तो उस विभाग के अधिकारी या मंत्री से पूछने के बाद आपको ज़्यादा जानकारी लगता है। वो सरकार में रहे हैं, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किया, उनके पुत्र को मंत्री भी बनाने का काम किया। उन्हें पता है कि बिहार की सरकार नीतीश कुमार की सरकार है और सामाजिक न्याय की सरकार है, वो किसी के साथ इस तरह का काम नहीं करती है कि जो है किसी का शोषण हो। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कल के कैबिनेट में आप लोगों को शायद जानकारी मिली होगी कि 10 विद्यालय जो है केवल दलित के लिए आवासीय विद्यालय, जो नेतरहाट और जो हम लोगों के राज्य में एक वासीमरतल्ला में जो विद्यालय है उस तरह से 10 विद्यालय एक साथ एक कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। जिस प्रखंड की आबादी 50,000 से अधिक है उस प्रखंड में प्रत्येक प्रखंड में उस तरह का विद्यालय दलितों के लिए खोला जा रहा है, जहाँ पे दलित के बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और समझ लीजिए कि इतना अच्छा विद्यालय खोला जा रहा है उस पर मांझी जी को धन्यवाद देना चाहिए। तो कहाँ मांझी जी उल्टा पुल्टा चीज़ बोल रहे हैं, तो ये जो बोल रहे हैं मांझी जी इसमें बोलने का मुख्य कारण यही है कि वो अभी जिस दल में गए हैं वो उल्टा पुल्टा बोलने वाले का दल है, इसलिए वहाँ गए हैं तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। बिहार में जिसमें शराबबंदी हुई थी, मांझी जी हों या भाजपा के कोई भी लोग, सभी लोगों के समर्थन से बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था, और शराबबंदी होने के बाद दलित के बच्चे हों या अल्पसंख्यक के बच्चे हों या आपके ओबीसी के बच्चे हों, सभी बच्चों में शराब पीने की पद्धति कम हुई है। बिहार में दूध का उत्पादन भी बढ़ा है और दूध का खपत भी बढ़ा है, जहाँ पे जो है दूध नहीं जाता था वहाँ दूध जाने लगा है। जो जिसके बच्चे जो लोग
शराब पीकर अपने बच्चों को और अपनी बीवी बच्चे को पीटते थे, और वो जो है आज दूध लेके जाते हैं और घर में अच्छे तरीके से अच्छा जो है वातावरण बना है। और उस तरह का वातावरण जब बिहार में इतना अच्छा वातावरण बन रहा है, क्या मांझी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपने घर में अपने बच्चों को लाकर शराब पिलाने का काम करेंगे अपने हाथों से? अगर वो इस तरह का काम करेंगे तब लगेगा कि जो है मतलब शराब पीना अच्छा बात है या बुरा बात है। आप लोग खुद ही बताइए कि शराब पीना अच्छी बात है या बुरी बात है। शराब की बोतल पे भी लिखा रहता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर कोई हानिकारक वस्तु को बंद कर दिया गया है तो उसको पीने का क्या काम है? कोई काम पीने का नहीं है। और जो भी शराब का समर्थन करना चाहते हैं वो अपने घर में अपने बच्चों को जाके पहले शराब पिलाएं, जहाँ पे शराब मिल रहा है जिस राज्य में मिल रहा है वहाँ पे ले जाएं और अपने बच्चों को शराब अपने हाथ से परोसने का काम करें, तब पता चलेगा कि शराब परोसने में कितना दर्द होता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।